हाई एवरी वन, वेलकम टू आस्थाज मेकअप क्लासेस. दिस इज़ आस्था हियर. आज का मैं ट्यूटोरियल हिंदी में करूँगी. मैं चाहती हूँ कि जितने से ज़्यादा लोग इसे अंडरस्टैंड कर सकें, इसे समझ सकें, उतना बेटर रहेगा. और ये ट्यूटोरियल है कि कैसे घर बैठे, बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास ब्रशेस नहीं हैं या प्रोडक्ट्स नहीं हैं, या किस तरीके से आप मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपना सिर्फ फिंगर टिप्स हाथों को यूज़ करके आप कैसे मेकअप कर सकते हैं. तो ये ट्यूटोरियल पूरा उसी के बारे में है. तो शुरू करते हैं प्राइमर से. और प्रोडक्ट्स के बारे में आप वरी मत करिए कि कौन से ब्रांड की प्रोडक्ट है. उसकी लिस्टिंग सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आप बस ये देखें कि कैसे हमारी फिंगर टिप्स बेस्ट तरीके के ब्रशेस माने जाते हैं मेकअप इंडस्ट्री में भी. तो हम बस यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इस टाइम पर या वैसे भी हाइजीनिक नहीं माना जाता फिंगर्स को यूज़ करना. बट लेकिन मेरे हाथ सैनिटाइज्ड हैं, मैंने क्लेंजिंग करा है, मैंने वाटर एंड सोप से धोया है, और इसलिए मेरे लिए, मेरे हाथ अपने लिए एकदम सेफ हैं. तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप के लिए. तो शुरू करते हैं ट्यूटोरियल. ये एक स्किन करेक्टिंग और परफेक्टिंग एंड ब्राइटनिंग प्राइमर था, जिससे स्किन में जो भी आपके चेहरे पर या स्किन में जहाँ पे भी आपके इम्परफेक्शंस हों, तो उसको वो वन स्टेप करेक्ट कर देता है, एकदम से ठीक कर देता है. तो दिस वाज द स्किन करेक्टिंग प्राइमर. ये मैं ब्रांड्स में नहीं जाऊँगी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. अब हम जाएँगे फाउंडेशन में. क्योंकि हम सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें फाउंडेशन बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही कर सकते हैं अपने फेस का बेस. तो ये है फाउंडेशन, और सेम तरीके से मैं इसे अपने हाथ के पीछे लूँगी जैसे हम नॉर्मली लेते हैं, और मैं अपने फिंगर टिप से इसे सब जगह डॉट करूंगी. डॉट करने के बाद जैसे मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से स्प्रेड आउट कर लीजिए फाउंडेशन को. कुछ मेकअप आर्टिस्ट, बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट का ये मानना है कि हमारी उंगलियों जैसे टूल्स हमें कहीं नहीं मिल सकते, कोई ब्रश ये काम नहीं कर सकता. तो ये देखिए, एक साइड पर है फाउंडेशन और एक साइड पर नहीं. मैं एक एक साइड करके इसलिए लगा रही हूँ कि फाउंडेशन ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, कि मेरे उंगलियों से ब्लेंड होने में उसको प्रॉब्लम हो, इसलिए साइड बाय साइड अगर कर लिया जाए तो बेहतर रहता है. अभी मैं थोड़ी और फाउंडेशन लूँगी क्योंकि मेरा फेस कवर नहीं हुआ है. ये एक बहुत ही लाइट फाउंडेशन है समर्स के लिए. बेस्ट चीज़ ये है कि ये थिक नहीं है, ब्लेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, बहुत आराम से लगती है, और कहीं पे पैची नहीं होती. तो इसी तरीके से पूरे फेस और जो बचा हुआ हो वो नेक पे कर लीजिए. ये आपके ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. चाहे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस खोल दी हैं, लेकिन अभी भी हमें पता है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, एंड घर पे रहना फिर भी एडवाइजेबल है. तो अगर जैसे आपकी जूम मीटिंग्स हो या कुछ हो, या आपको बस मन करे थोड़ा तैयार होने के लिए, या जैसे लोग आना शुरू कर रहे हैं घर पे, थोड़े गेस्ट आना शुरू कर रहे हैं,
वैसे एडवाइजेबल नहीं है पर आ रहे हैं, तो उसके लिए जैसे आप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रखना चाहते हैं तो आप फिक्र मत करिए अगर आपके पास मेकअप ब्रशेस ना हो। तो अब हमने फाउंडेशन लगा लिया, फाउंडेशन के बाद आता है कंसीलर। अब मुझे कंसील करना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं होती कंसीलर की क्योंकि उनके डार्क सर्कल्स या थोड़ी सी जो पिगमेंटेशन होती है अंडर आई या डार्कनेस होती है वो फाउंडेशन से ही ठीक हो जाती है, लेकिन मेरी फाउंडेशन से नहीं जाती इवन हाई कवरेज फाउंडेशन से, तो इसलिए मुझे कंसीलर लगाना ज़रूरी है। तो मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ जो एक लिपस्टिक फॉर्म में है और ये थोड़ा पीच टोन में है, तो ये मेरा कलर करेक्शन भी हाथ के हाथ ही कर देगा। आप अपनी रिंग फिंगर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लाइटर टच चाहिए, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड करना है और थोड़ा फर्म टच चाहिए तो आप अपनी मिडिल फिंगर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। उंगलियों से मेकअप करने का फ़ायदा एक और होता है कि उंगलियों की जो हमारी बॉडी की नेचुरल वार्म्थ होती है, जो गर्माहट होती है, उससे मेकअप प्रोडक्ट्स ब्लेंडेबल बन जाते हैं और थोड़ा सा नेचुरली मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने का मतलब पिघलना, अगर किसी को बिल्कुल इंग्लिश ना आए तो मैं बेस्ट तरीके से बता सकूं। अब ये कलर करेक्टर स्लैश कंसीलर लगाने के बाद मैं थोड़ा सा अपने स्किन टोन के साथ मैचिंग कंसीलर लगाऊंगी एक एक डॉट, एंड आप देखिएगा उससे ये जितना भी वाइटनेस दिख रहा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको भी मैं अपना बैक ऑफ द हैंड पे लूँगी हाथ के पीछे थोड़ा सा एकदम, आप देखिए क्वांटिटी। एंड मैं रिंग फिंगर से इसको सिर्फ डैप करूंगी। होंठ के कोनों में भी जहाँ पे मैंने लगाया था कलर करेक्टर, जहाँ पे हल्की सी भी डार्कनेस हो चिन के ऊपर। तो ये हो गया हमारा बेस। अब नेक्स्ट, जैसे पाउडर कैसे यूज़ करें, ब्रश नहीं है तो पाउडर को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप थोड़ा सा कॉटन ले सकते हैं या कॉटन पैड ले सकते हैं, या आप कोई पफ ले सकते हैं, आप स्पंज ले सकते हैं जो फेशियल स्पंजेस हों, और उससे आप अपना टी जोन पूरा सेट कर सकते हैं। तो मैं एक स्पंज लूँगी, एक वेज स्टाइल स्पंज, एंड सॉरी मेरा पिछली बार का यूज़ करा हुआ तो अभी थोड़ा गंदा है, और मैं एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लूँगी जो मैक प्रेप एंड प्राइम है, और मैं थोड़ा सा स्पंज पे लगाकर अपना टी जोन सेट कर लूँगी। तरीका है, अगर पाउडर बहुत ज़्यादा लगे तो उसे हाथ में ले लीजिए और उससे पैट करके फिर आप आराम से अपने टी जोन में लगा सकते हैं। बहुत हल्का लगाइए क्योंकि याद रखिए आपके पास ब्रश नहीं है उसे डस्ट करने के लिए। तो ये हमारा टी जोन सेट हो गया। अब हम मैं एक्चुअली आपको सारे स्टेप्स दिखा रही हूँ मेकअप के, क्योंकि कुछ लोगों को सारे चाहिए होते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम करते हैं। तो अब हम करेंगे ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग। मैं एक ऑल ओवर फेस कलर ले रही हूँ जिससे ब्रॉन्ज एंड कॉन्टोर दोनों इकट्ठे हो सकता है, एंड वो एक क्रीम प्रोडक्ट है और इसको मैं डायरेक्टली अपने फेस पे लगाऊंगी, लेकिन बहुत हल्के। और एक साइड पे लगाकर आप पहले ब्लेंड कर लीजिए उसे।
ब्लेंडिंग हमेशा ऊपर की तरफ करिए, कभी भी फेस में कुछ भी नीचे की तरफ जाएगा तो ऐसे लगेगा कि स्किन लूज हो रहा है, लटक रहा है। तो देखिए इतना लगा के इसे ब्लेंड कर लीजिए। हेयरलाइन से ज़रूर स्टार्ट करिए, यहाँ से साइड बर्न्स वाले एरिया से। यूजली जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं कॉन्टोर या ब्रॉन्जिंग के लिए, स्पेशली कॉन्टोर के लिए, वो होता है टिप ऑफ द ईयर टू कॉर्नर ऑफ द माउथ, तो कान के टॉप से लेकर होठों के कॉर्नर तक, तो ये लाइन हम यूजली फॉलो करते हैं। और चीक बोन फील कर लेते हैं साथ में, और चीक बोन से चीक बोन के एकदम एज पे होना चाहिए आपका कॉन्टोर। तो इससे देखिए थोड़ा कलर आया। अब ये चीज़ हम माथे पे भी लगाएंगे। हेयरलाइन और स्किन के बीच में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे डार्क कर रहे हैं तो इसको हेयरलाइन में ज़रूर लेकर जाइए प्रोडक्ट को, कि वो ऐसे ना लगे कि बीच में एक सफ़ेद लाइन नज़र आ रहा है फाउंडेशन का। अगर आपको इससे नोज कॉन्टोर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से रख करिएगा और इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। जॉ लाइन इसको नीचे गर्दन की तरफ लेके जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत पिगमेंटेड होती है और ब्रश ब्लेंडिंग के लिए बनी होती है, हाथों के लिए नहीं, तो इसलिए थोड़ा लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, उससे ब्लेंड जल्दी होगा और पैचीनेस नहीं रहेगी। अब हम इसको थोड़ा सा चीक्स पे से डॉट कर लेंगे कि थोड़ा कलर आ जाए फेस पर। देखिए तो जहां जहां आप पाउडर ब्रॉन्जर कॉन्टोर वगैरह लगाएंगे वहीं वहीं इसे भी यूज करिए। ये हो गया। अब हम आते हैं ब्लश और ब्लशर पे। तो इसे लेकर थोड़ा सा डैप कर लीजिए फेस पर, तो बहुत ही प्यारा कलर आता है। इसमें थोड़ी सी शाइन भी रहती है तो फेस को ना एक अच्छा फ्लश दे देता है। थोड़ा सा नाक के ऊपर ले जा सकते हैं, ब्रिज ऑफ द नोज, इससे फ्रेश फीलिंग, फ्रेश लुक आती है। थोड़ा सा फोरहेड के बीच में, थोड़ा सा चिन के ऊपर, तो ये हो गया हमारा ब्लश। अब नेक्स्ट चीज आती है हाइलाइटर। तो ये हमारे पास क्रीम हाइलाइटर है स्टिक फॉर्म में। हाइलाइटर को बेस्ट तरीका है कि आप डायरेक्टली स्टिक से मत यूज करिए, क्योंकि स्टिक थोड़ा मोटा होता है, तो आप अपनी रिंग फिंगर यूज करिए, ऐसे लीजिए और हाइलाइटिंग जोन्स में उसे ब्लेंड कर दीजिए। स्टिक फॉर्म में क्रीम हाइलाइटर्स का बेस्ट ये होता है फ़ायदा कि वो लगता है कि जैसे वो आपकी स्किन को ही बिलोंग करता है शाइन, वो ऐसे नहीं लगता कि आपने ऊपर से कोई पाउडर या कुछ लगाया है, तो वो ऐसे लगता है कि आपकी स्किन का पार्ट हिस्सा ही बन चुका है। फिर हाइलाइटर को नाक के इधर
जिनका टिप ऑफ द नोज छोटा हो या अपवर्ड्स पॉइंटिंग हो तो वो नाक के टिप पे भी हाईलाइट कर सकते हैं. यूजली हाईलाइटिंग वहाँ पर होती है जहाँ पर नेचुरली जो रोशनी है आपके फेस को लाइट करे, तो वहाँ पे हाईलाइटिंग करी जाती है. देखिए यहाँ पे सटल शाइन आ गया है. क्यूपिड्स बो और चिल. ये हो गया हाईलाइटर. हाईलाइटर के बाद अब हम आई लुक पे जाएंगे. तो बेस्ट तरीका मेकअप आई का करने का है कि आप क्रीम स्टिक्स ले लीजिए या काजल ले लीजिए या पेंसिल्स, जो थोड़ी सॉफ्ट पेंसिल्स होती है जो थोड़ा आराम से ब्लेंड हो जाती है स्किन पर, वो वाली पेंसिल्स लीजिए. तो ये मेरे पास एक स्टिक है, आई शैडो स्टिक बोलते हैं इसे. ये कलर है इसका और इसको मैं पूरे अपने आईलिड और आई सॉकेट पे लगाऊंगी, क्योंकि ये कोई भी डार्कनेस हो या कुछ भी हो उसको कैंसल आउट कर देगी साथ में, चाहे शैडो स्टिक है. तो थोड़ा सा लगा के अपनी रिंग फिंगर से उसे ब्लेंड कर लीजिए. इस आई और इस आई में डिफरेंस देख लीजिए. बहुत नीचे मत लेके जाइएगा उसे. यूजली ये स्टिक फॉर्मूलाज या स्टिक शैडोज जो होती है वो क्रीज प्रूफ होती है. क्रीज मतलब आंखों में लाइनें नहीं आने देती, स्पेशली यहाँ पे क्रीज में. अब मेरे पास एक और है जिसमें दो डिफरेंट कलर्स हैं. यहाँ पे टर्कोइस है और यहाँ पे एक शैम्पेन कलर है. तो मैं शैम्पेन कलर लूँगी और उससे इनर कॉर्नर हाईलाइट करूँगी. इनर कॉर्नर टू 1/3 ऑफ द आई और अपनी रिंग फिंगर से ब्लेंड कर लूँगी. 1/3 ऑफ द आई इनर कॉर्नर और सेंटर ऑफ द आई तक भी ला सकते हैं आप इसे, और रिंग फिंगर से ब्लेंड कर लीजिए. सेम तरीके से दूसरे आई पर टैप 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 करके ब्लेंड कर लीजिए. इसको ब्राउ बोन पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये काफी न्यूट्रल कलर है. अगर आपको लगे कि आपको अपना आउटर कॉर्नर ये वाला हिस्सा थोड़ा डार्क करना है तो आप एक क्रीम स्टिक ले सकते हैं या आप काजल ले सकते हैं और उसको यूज़ करके आप डार्क कर सकते हैं. अगर आपको कई बार प्रॉब्लम लगे कि ब्रश होना ही चाहिए लेकिन नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं. ये लोरियल का लस्टाइलो स्मोकी पेंसिल है. इसमें बैक साइड पे एक स्मजिंग ब्रश है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. इसको मैं यूज़ करके आपको दिखा देती हूँ कि कॉर्नर्स को अगर डार्कन करना हो तो थोड़ा सा लगाइए. ये ब्लैक कलर में है और बैक से उसका स्मजिंग ब्रश निकालिए और धीरे धीरे उसे स्मज कर लीजिए. इससे आपका आउटर कॉर्नर डीप हो जाएगा. सेम तरीके से इस साइड पर जो भी करिए, धीरे धीरे पेशेंस के साथ करिए तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी रहेगी आपकी. तो मैं शॉर्ट स्ट्रोक्स यूज कर रही हूँ और इसे क्रीज तक लेके जा रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये जो मेरे बीच का शैडो है उसके साथ मर्ज हो जाए. और जहाँ पर आपको लगे थोड़ा पैची हो रहा है वहाँ पे फिंगर से डैप कर लीजिए. अब आप नॉर्मल लाइनर ले सकते हैं और उससे अपनी आईज आईलाइन कर सकते हैं. तो मैं, क्योंकि मेरा न्यूट्रल आई है सारा, तो मैं एक ब्राउन लाइनर लूँगी. वाटर लाइन
लेकिन पूरा इनर कॉर्नर तक नहीं, और टाइट लाइन। मैं यूजली इनर कॉर्नर तक नहीं लेके जाती क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस रहनी चाहिए आईज की। अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा इनर कॉर्नर हाईलाइट करना है, आप अपना हाईलाइटर लीजिए, रिंग फिंगर यूज़ करिए और यहाँ पे हल्का सा प्रेस कर दीजिए तो आपका इनर कॉर्नर हाईलाइट हो गया। अब है बारी लिपस्टिक की। तो क्योंकि ये लुक बहुत न्यूट है और सिंपल है और लाइट है, इसलिए मैं एक ओल्ड रोज, डस्टी रोज न्यूट लिपस्टिक यूज करूंगी। इसे मेरे हिसाब से थोड़ी डार्क है तो मैं इसे लाइट करने लगी हूँ इस कलर से। आप लाइटली पैट करके मर्ज भी कर सकते हैं लिपस्टिक्स को। ये हो गया लिपस्टिक। अब पूरे फेस को अगर आपको सेट करना है तो आप एक सेटिंग स्प्रे लीजिए और सेट कर लीजिए फेस को। इस रिफ्रेशिंग फीलिंग भी आती है और सारा मेकअप ब्लेंड भी हो जाता है। आप अपना स्पंज लेकर सेटिंग स्प्रे को डैप भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ट्यूटोरियल सिर्फ अपने फिंगर्स को और अपने हैंड्स को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ। आप कम प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा करनी है आप ज़्यादा कर सकते हैं। आई मेकअप ब्लेंडिंग ठीक है, अगर ब्रश नहीं हो या पेंसिल नहीं हो ब्रश के साथ तो आप अपनी रिंग फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं जैसे मैंने करके दिखाया था इसमें। और अब ख़त्म होता है। थैंक यू देखने के लिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये मेकअप ट्यूटोरियल, और अगर मुझे हिंदी की सीरीज़ अपनी जारी रखनी चाहिए या जैसे भी, जो भी आप ठीक समझें। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ हियर आस्था। हैव अ गुड डे एवरीबडी।